तो भाई लगभग पूरी मंडी में आज सरसम के डूहा भाई इतनी है तो नू लगा लो भाई पहल आ रही। तो भाई एक डेरी गुआरी की आती या बन लाग रहे हैं भाई, लगभग एक दो डेरी आ रही हैं पूरी मंडी में। तो एक बार तो भाई एक बार या गुआरी दिखा दिया, ये देख लो भाई एक डेरी थी वह बेकी नहीं थी, क्या डेरी पे किए भाई 570 रुपये। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई 13 मई 2023 भिवानी अनाज मंडी। तो भाई सबसे पहले भाई दो बात करनी थी। तो भाई कल अपन है वीडियो बनाई थी भाई, जो किसान सारी दोपहरी में, कल तो जल्दी 2 बजे आती भाई लगभग निपट गया था। तो जो किसान रात के बैठे थे भाई, रात ने भी आ रहे थे भाई 2 बजे 3 बजे, और पहले दिन भी सारा दोपहर ऊपर उतर गया। तो भाई 2 दिन वीडियो बना लिया अपन ने। तो कई साथी यहाँ के भाई कमेंट आ रहे थे, तो भाई मैं ये नहीं कहना चाहूँगा किसान साथी तो भाई कोई ऐसा कॉमेंट करे को नहीं कि भाई जो भाई उन सब वह मनना, तो भाई वह किसान ने को लाग दे जिनने यो कमेंट कराया, बोले भाई यो कांग्रेस का है, यो उसका है, जो भाई देखो आपा किसी पार्टी संबंध नहीं रख दे, आपा किसान ना संबंध रखा हाँ, मंडी संबंध रखा हाँ, भाई मंडी की वीडियो बनावा हाँ, किसान मंडी वीडियो लिया, किसान दुखी है तो भाई उसके वीडियो बनाने का अपना फर्ज है। जब आपा किसान ना है कि भाई जानकारी भाई नहीं पूछावांगे भाई दुखी हैं ये नहीं है, तो अपना भाई चैनल का के फायदा है। कई किसान साथी तो भाई साथियों कई नुबले बुलायो भाई सरकार का खिलाफ बोल रहा है, भाई आपा किसी के खिलाफ नहीं बोलते, आपा बोला हाँ किसान ना का साथ में, भाई किसान दुखी तो सब दुखी भाई। तो कई तो भाई अपना फर्ज बना है जो किसान ना का भाई समर्थन में बोलना, तो भाई दुखी हो रहे थे तो भाई वाह बात से भाई कहनी है तो कैबरा के कहेंगे, फिर अपना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई यार। तो भाई किसान ना की भाई फिर दुखी होंगे जब यूरिया की लाइन लग गया कर दी, उस टाइम भी बनाया कर दे, और भाई आज किसान लाइन में लाग रहे थे, कल लाग रहे थे तो उसकी भी बनावाएं भाई। तो देखो मैं से तो नुए लिखी जाया करें, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो भाई जो दिखाना है जो किसान दुखी है उसका बारे में आप दिखाई जावांगे, वाह बात है भाई। एक गांव में एक बाबा था, जो गांव की भाई जो भी छोरी ब्याही जाती ब्याह की जाती तो भाई बाबा रोन लाग जाता। तो भाई गांव वालों ने सोचा भाई जो बाबा तो यो सारी वह भाई छोरी जहाज बेरो है, तो भाई गांव वालों ने इकट्ठी होगी भाई उसकी एक अठन्नी दे दी, बोला ले बाबा जो भी छोरी जाऊँ तो तू रोइए ना। तो भाई बाबा ने भाई चलो भाई देखी जाएगी, बाबा मान गया। तो भाई छोरी जाने लगी और भाई बाबा तो भाई देखा, बाबा तो भी त्रुजन लग गया, बाबा पर तो डटिया को नहीं गया, उन्होंने वो भाई बुलाए भाई जो उसकी अठन्नी देनी है थे, बोले ले भाई थारी अठन्नी भाई अपना को नहीं डटिया जाता। तो भाई बाबा तो रोना आया था। तो भाई बाबा बड़ी ये बात से किसान लाइन में लागेंगे और किसान दुखी होंगे बाहर रोड पर, तो अपना को डटिया जा भाई, आप तो बोलेंगे चाहे कोई हो, चाहे वह बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, कोई हो भाई अपना फर्ज है बोलना। और भाई जो इसी चीज वो लिखे हैं उन वह उन कोई बेरा नहीं होता, वह तो घर ने बैठे लिख दें भाई कॉमेंट है, कॉमेंटा तक के वो है आगे बैठ के देखो भाई रोड पर, ठीक है। तो किसान की तो हमेशा बेरान मट्टी होती आई है भाई, तो कोई एक नया वो को नहीं। तो भाई जो कहनी है कही जाएंगे भाई, जो किमे सोचनी है सोची जाएंगे, चाहे भाई मन किमे सोचो, चाहे मन कांग्रेसी बताओ, चाहे आतंकवादी बताओ भाई, चाहे किमे बताओ भाई, बताई जाओ, अपना काम है दिखाना, आपा तो दिखावांगे जो भाई जो भी है, जो किसान सही भाई सही आज लैंड में लाग जाओ भाई, चाहे कड़ा लाग जाओ, चाहे यूरिया ही लैंड, मन यूरिया टेम भी दिखाए भाई, DAP मिल जा जब लैंड लागी जाया कर दी वह भी दिखाई। तो भाई कोई नू नहीं कह सकता भाई मैं कौन नहीं दिखाता, तो इसका यो मतलब को नहीं होता कि भाई इसका मतलब तो यो है भाई तो मैं नहीं दिखाऊँ, किसान दुखी हैं सुखी हैं। तो भाई कई साथी वह राजनीति हैं भाई रोड़ा तो यो है, जो भाई किसान सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलो तो किसान नुए पैसी जा। तो साथियों भाई देखो कहनी है कही जाएंगे, उस तरह अपना कोई फर्क पड़ता भी को नहीं, अपना काम है काम करना,
और भाई वो बोले बोले भाई मंडी भाग अचानक बंद ही कर दे, क्यों भाई वह किसान के और किधर तारे हैं के लंदन तारे हैं, वह भी मंडी में आवे हैं, वह भी अपना सामान लेके आवे हैं, उनने भी अपनी गेड़नी है, 20 काम हुए हैं भाई, उनके भी दुख दर्द हो रहा है, तो न बैठे थे भाई 2-2 बजे कहनिया का के बिगड़ा है उन तो बूझ गई देखो जो रातू रोड पर बैठ, तो भाई रोड बैठी बैठी माथर खा जाए। तो साथियों भाई लगभग आज मंडी के हालात बता दें भाई, आज तो सरसम में सरसम है बिल्कुल, और लगभग कोई माल को नहीं आ रहा, एक दो जो गुआरी आ रही थी तो गुआरी की तो भाई आपने जो एक डेरी के भाव बता दिए, एक बेकी कौन थी, और भाई ये दिखा दें एक भाई सरसम की डेरी है, डेरी लाग रही है भाई। तो 2 दिन भाई खूब सरसम आई है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतनी तो पहला आई थी 10 लगभग भी ना खरीद चाल की जब, और इतनी 2 दिन में आई है। तो साथियों भाई आज तो लगभग भाई पूरी मंडी में कोई कुछ को नहीं, लगभग सुनी ही पड़ी है, आज तो लगभग सरसम के ढेर लाग रहे हैं भाई सरसम के। तो साथियों भाई आज भाव बता दें भाई, देखो भाव कोई फिक्स नहीं होते हैं भाई, एक किसान ने लगभग आइडिया मिल जाए फिलहाल, तो आज तो देखो कुछ को नहीं आ रहा, एक गुआर की डेरी आ रही थी वह 5100 के आसपास बेची थी भाई, वैसे भाई जो अपन आड़तियाँ तो भाई भाव पूछे हैं इस चीज़ का बारह में, वो आप तो भाई बताने लग रहे हैं जो अपन इसमें लिख लिए थे, तो कई साथी नु कह दें भाई देखो पूछा बिना तो कुछ बेरा भी को नहीं पट। तो भाई देखो देसी कपास बिला लांदी को नहीं भाई, कोई नहीं बेरा उसके भाया का आइडिया हा दे सका आपने, आइडिया लगभग जिस हिसाब तो पहले भी की थी भाई 8-1 हज़ार के आसपास, ये तो कोई देसी रह भी को नहीं रही। नरमा के भाव बता दें भाई, नरमा लगभग भाई हर भाव एक लगभग लगा के चालियो भाई, माल आ रहा हो तो न्यारी बात है भाई, बोली भी दिखावा, वैसे भाई खरीद भी होती तो ना, तो कोई प्राइवेट में सरसे मारी जिन किसाना बती लगभग तो गेरी थी भाई 2 दिन में, नरमा के भाई लगभग 7200 के आसपास के भाव लगा के चालियो भाई, 7200-7300 सरसम के बता दें भाई, जो प्राइवेट के भाव चल रहे हैं सरसम के 4400-4500 तो लेके नीचे में नॉन लैब, और 4600 तेई के भाव हैं भाई। ये बात करांगे भाई गेहूँ प्राइवेट में बता दें भाई 2080 और 2100-2150 के आसपास चले जाऊँ बड़ी आ गई हूँ, तो ये करांगे चने की बात, चना भाई 4600 तो लेगी लगभग 4900 ती के भाव, हाँ भाई बढ़िया चना के बढ़िया तो बढ़िया चना हो। मेथी के भाव बता दें भाई, मेथी नू लगा लो भाई, मेथी 5700 तो ले 5600-5700 तो लेगी, 6000 ती के भाव हैं भाई बढ़िया मेथी के, तो भाई नीचे का भाव भी और ऊपर का भाव भी, और तो भाई के बरा अड़ंगा हो तो भाई उससे नीचे भी चले आ जा। बाजरा ही भाव बता दें भाई, बाजरा 2000 तो लेगी, 2050 ती के भाव चल रहे हैं भाई बाजरे के। मूंग भाई 4000 तो लेगी, 6500 ती के बाजार का सुनन माई है भाई, क्यों मूंग फिलहाल तो आंदा को नहीं भाई, तो बूझ के ये बताई जा सके लगभग। खड़ के भाव बता दें आपने, खड़ भाई 3250 तो लेगी, 3600 तई के बाजार हैं भाई आज के। बंदोड़ा 3800 तो लेगी, 4700 रुपया तई के भाव हैं भाई बंदोड़ा के। सरसों का तेल के भाव बता दें भाई, देखो अलग अलग भाव हैं भाई लगभग, फिर 1550 रुपया का लगभग भाई 15 लीटर का पिपा मिला है। जो के भाव बता दें, जो फिलहाल है भाई लगभग मंडी में नहीं आ रहा, मन ने कोई देखने नहीं मिला भाई, डुए डू सरसम के दिखे हैं, 1600 तो लेगी भाई, 1750 रुपया ती के भाव चाले हैं भाई। तो साथियों भाई ये तो लगभग आज मंडी के भाव थे भाई, तो देखो भाई आप एक बार फिर कहाँ हाँ, अपना काम है किसाना ती भाव बताना, और किसाना का भाई जो दुख है वो दिखाना, तो आपा ने भाई अपनी वीडियो में जो भाई किसाना का दुख था वो ही दिखाया था, तो भाई कई साथी कुछ भी लिखी जाओ अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपा तो भाई नुए दिखावा सच्चाई, तो अपना काम है सच्चाई दिखाना भाई। किसान मंडी में कौन आवे है, मंडी में किसान आवे है, और किसान आवे है तो भाई किसान लैंड में लागेगा तो दिखाया जाएगा, कई भले राजनीति करे है भाई यो नू करे है,
तो भाई जब किसानों का दुख दर्द दिखाना जब राजनीति है तो भाई इस ना आप राजनीति समझ लो भाई। तो मैं तो उन तीनों कहना चाहूँ जो ये भाई लिखे हैं ऐसे ऐसे कॉमेंट, तो भाई राजनीति क्यों करवाओ, खुली सरसम ले लो भाई एक हफ्ता है और इतनी थारी चल है, तो क्यों किसाना ने रात ने दो दो बजे तक लाइन लगवाओ भाई, अपने दो दिन खुली लो ना, पाँच दिन लो, सात दिन लो भाई, दस दिन का टाइम दर दिया सरसम बाहर था तो आओ को नहीं, वो तो किसाना पर ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है भाई इतनी सरसम है इतना यो है वह आओगी भाई, फालतू तो किसी की चढ़ा को नहीं। तो भाई साहब आप उन भाई आते हैं भाई, वह किसान नहीं हो सकते, अपना तो यो ही कहना है, क्यों किसान नू को नहीं हो सकते भाई, जो किसान हो रहे तो वो ना दुख का बेरा पावर भाई, जो सारी दोपहरी में उड़े तपे थे और रात ना भाई उन मच्छर खावे थे, तो उन किसी का मतलब को नहीं भाई, ऐसे ऐसे तत्व हर जगह मिले हैं तो आपने कोई फर्क भी को नहीं पड़ता भाई, इनते आपने तो दिखाना है सिर्फ भाव और भाई जो किसान ना दुख दर्द है वो दिखावांगे। तो साथियों भाई फिलहाल मंडी में सिर्फ सरसों सरसों है भाई, एक दो डेरी गुआर की थी, एक बेकी थी, एक को नहीं बिक रही थी, प्राइवेट में लगभग भाई को सरसम ही को